बैंक मित्रों और होने वाले बैंक मित्रों, आप लोगों का स्वागत है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के BCBF एग्ज़ाम के पिछले पेपरों में पूछे जाने वाले प्रश्न। ये प्रश्न हम पेश करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI क्या मापता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या मापता है। CPI मापता है कीमतों में बदलाव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैंक डैश के लिए ऋण प्रदान करता है, किसके लिए ऋण प्रदान करता है, होम, गाड़ी, शिक्षा या ऊपर के सभी। बैंक इन सभी के लिए ऋण प्रदान करता है, यानी कि चौथा सही होगा, ऊपर के सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी को ध्यान में रखते हुए अगर निवेशक शॉर्ट टर्म ब्याज दरों में कमी की उम्मीद रखते हैं तो इनमें से कौन सा सही होगा। इनमें से सही होगा उपज वक्र सपाट हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिट में से हर एक व्यक्ति निश्चित अवधि के लिए वार्षिक किस्तों के लिए विधि द्वारा एक निश्चित राशि की सदस्यता लेगा, क्या ये कथन सत्य है। नहीं, ये कथन सत्य नहीं है, ये कथन असत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीमितता की अवधारणा निगम के एक शेयर धारक का कहना है, क्या कहना है, इन चारों में से क्या कहना है। इन चारों में से कहना है उनके निवेश से अधिक नहीं खो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीमा धारक की ओर से एक बड़ी कटौती की आवश्यकता एक तरह से बीमाकर्ताओं की समस्या का इलाज है, इन चारों में से कौन सा सही है। इसमें सही है नैतिक जोखिम, यानी कि दूसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक कूपन बॉन्ड की कीमत को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जा सकता है, इनमें से कौन सा सही है। चौथा सही है, दोनों अंकित मूल्य और कूपन भुगतान के वर्तमान मूल्य हैं। ठीक है, तो बैंक मित्रों और होने वाले बैंक मित्रों, आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को सभी बैंक मित्र भाइयों और शेष सिविल के भाइयों को शेयर कर दें, ताकि उनको भी इन प्रश्नों का प्रश्न उत्तरों का लाभ मिल सके। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। लागत धक्का मुद्रास्फीति का कारण है क्या है। इसमें कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यही कारण होता है जो लागत धक्का मुद्रास्फीति का कारण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, जल्दी बताइए, समय समाप्त हो रहा है। इनमें से सी नंबर का प्रश्न है, यानी कि मासिक कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्लोजिंग कैश बैलेंस उस महीने में लाभ के बराबर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तथ्य यह है कि आम शेयर धारक अवशिष्ट दावेदार हैं, किसके दावेदार हैं। स्टॉक होल्डर को बाकी सभी के भुगतान के बाद अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख घटक है, इन चारों में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख घटक है, बताइए। इसमें से चौथा प्रश्न, यानी कि मुद्रा और जमा घटक दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा ऋण दाताओं के पास डैश है क्या है। ब्याज की उच्च दर, कोई उचित हिसाब नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, ऊपर के सभी। हाँ, मुद्रा ऋणदाता जो होते हैं बैंक के अलावा, जो लोग मुद्रा का ऋण देते हैं वो ज़्यादा ब्याज लगाते हैं, कोई उचित हिसाब नहीं रखते हैं, कोई पारदर्शिता नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया, इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसमें से चौथा आंसर सही है, उत्पादन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाता है वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभावी बैंक विपणन की क्या आवश्यकता है।
प्रभावी बैंक विपणन की आवश्यकता है। ऊपर के सभी यानी कि उचित मूल्य निर्धारण, अनुकूलित उत्पाद और सरल प्रक्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, SMERA भारत में एक SME रेटिंग एजेंसी है, जिसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? यह एक MSME की क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग देती है, यानी कि रेटिंग क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग देने वाली एजेंसी है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, PMG के तहत सहायता के लिए SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलकर बना हो सकता है। 5 से 20 शिक्षित बेरोजगार युवाओं से मिलकर बना हो सकता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंक थे? राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में 6 बैंक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक बैंक के बैंक का कुत्ता या एक कुत्ते और उसमें वफादार मित्र शब्द, यहाँ कुत्ते जैसे वफादार मित्र शब्द का प्रयोग किस किस स्लोगन में प्रयोग किया जाता है? सिंडिकेट बैंक में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, MGNREGS मनरेगा का मतलब है, क्या मतलब है मनरेगा का? मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन बैंक विपणन के लिए एक चैनल नहीं है? बैंक विपणन के लिए कौन एक चैनल नहीं है? इनमें से कोई भी नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सेवा का विपणन निम्नलिखित में से किस में बनाया जाता है? सेवा का विपणन बैंक और होटल में अपनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद अब लोग बन जाएंगे बैंक मित्र। लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी? लोकपाल योजना शुरू की गई थी जून 1995 में। तो बैंक मित्र भाइयों, इस वीडियो को सभी जगह सभी बैंक मित्रों और इससे सिविली भाइयों को शेयर कर दें अधिक से अधिक, ताकि उन लोगों को भी इन प्रश्नों का ज्ञान हो सके। धन्यवाद।